क्यूट एकदम मस्त। साफ निकला साफ तो दोस्तों इस सोसाइटी में काफी बार हम लोगों ने जो है बेबी कोबरा को रेस्क्यू किया है, और पिछली बार भी हमने जब किया था तब हमने इनको बताया था कि जब आपको अगर कोई सांप दिखता है, अगर कोई सर्प मित्र बाई चांस नहीं आता या लेट होता है, तो आप अपने तरीके से बिना हाथ लगाए उसको किसी डब्बे में या किसी कैरी बैग में डाल दो। तो फिलहाल इन्होंने एक सांप को पकड़ा है और बहुत ही बढ़िया काम किया है इन्होंने। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक कोबरा सांप है। इस शाम को जो इन्होंने सही सलामत जो रेस्क्यू किया है, तो सर आपको डर नहीं लगा सर? नहीं, मैं पहले दो बार भी देख चुका हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने काफी बार इस सोसाइटी में जो है सांपों का रेस्क्यू किया है, और सर को हमने पिछली बार भी बताया था, सर ने कहा था कि अगर कोई सर्प मित्र लेट होता है या अगर वो समय पर नहीं आता तो हम इसको मारेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे इसको किसी थैली में या किसी कैरी बैग में या किसी बकेट में इसको डाल के उसको सही तरीके से रखेंगे और आपको हैंड ओवर करेंगे। तो आज जो है इन्होंने ऐसा करके दिखाया और ये साबित किया है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, और हमको ऐसे ही करना है, बेजुबान प्राणी को जो बचाना है और बचाकर उसको उसके नेचर में छोड़ना है, क्योंकि गलती से खाने पीने की तलाश में जो है इंसानी बस्ती में आ जाता है। तो ये काफी थोड़ा सा भूखा लगता है मुझे, और ये इस चक्कर में यहाँ पे कुछ चूहा मेंढक छिपकली खाने की तलाश में यहाँ पे आ गया। सर आपका एक बार नाम बता दो। राजेश सिंह। तो ये राजेश सिंह है, तो इनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि हर बार ये ऐसे ही करते हैं, कोई भी बेजुबान प्राणी हो चाहे पशु हो पक्षी हो, तो ये कोशिश करते हैं कि इसको सही सलामत सही ठिकाने पर और सही जगह पर जो है इसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा सभी को करना है, और हम लोग इसको निकाल कर जो है एक इसके अंदर डाल देंगे, पहले एक जार में डाल देंगे। है उसमें बोल किया है बस एकदम बढ़िया। स्टूडियो पे था मैं। अरे वो सुधीर दीक्षित, हमने मास्क नहीं पहना, हमारा निकलो आ ना जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस कोबरा को जो है सही सलामत जार में डाल दिए, और ये जो है अभी तकरीबन ये कुछ एक 5 महीने का होगा मुश्किल से। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जाते जाते इसको फॉरेस्ट एरिया में जो इसको रिलीज कर देंगे ताकि ये खा पी सके और सही तरीके से जो पनप सके। सर एक बार आपका फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ, बस इसी तरह प्यार मोहब्बत बनाए रखिए इंसानों में भी और पशु पक्षी और जानवरों में भी। फिर मिलेंगे हम फिर किसी वीडियो में, फिर किसी जानकारी के साथ या फिर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, चौकन्ने रहो, प्यार दो, प्यार लो, मोहब्बत बांटो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय पुणे।